का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है वो सबके लिए बहुत स्पेशल है, रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ टाइम कर जरूर जाती है। स्पेशल इसलिए क्योंकि काफी लोग डिमांड कर रहे थे यार बहुत टाइम से, और मैंने वादा किया था, तो इस हिसाब से आज की जो रीडिंग है वो कॉफी कप रीडिंग है। कॉफी अभी भी मुझे जो प्योर फॉर्म एक और होता है जो हमें हम उसे ऑस्ट्रेलियन कॉफी कहते हैं, बहुत रेयर मिलती है, वो मुझे नहीं मिली, बट मुझे एक फॉरेस्ट कॉफी जो है वो मिल गई फाइनली। सो उसके बेसिस पे मैं चलो आज रीडिंग कर रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ दूसरी वाली कॉफी भी, वो मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा और डीप रीडिंग या एनालिसिस हो जाएगा, हम चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और आज की रीडिंग यस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान से फोर्सेस ऑफ एनर्जीज पे देना। मैं इस मग को अब टिल्ट करूंगी और उसके बाद इसे रीड करूंगी, बहुत सिंपल है। बस आपको अपने इंटेंशन सेट करने हैं, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उन्हें बार बार मनी मन दोहराना है, नाम दोहराओ, या आप उनकी फेस की स्माइल को भी मिस कर सकते हैं, मतलब मिस करना इन द सेंस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। बाबा बीबी इमेजिन करते रहो, रुकना नहीं, एक सेकेंड आप जब तक करो मैं इसके इंटेंशन सेट करूं। इसको आने में नीचे टाइम लगता है, प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखो, ओके। चाहिए तो स्किप करके फॉरवर्ड कर दो, बट इंटेंशन अगर सेट कर दिया कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं हम, राइट। सो आज की करंट ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं, उनका मन में उनके क्या है ये चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है अगर आप अच्छे से ध्यान करें तो हम उनके टेंशन को चेक कर पाए, उनके ट्रू फीलिंग्स को चेक कर पाए। चलिए मैं ओपन करने जा रही हूँ। सुपर सुपर, आई एम हैप्पी कि फाइनली जिस कॉफी से मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कॉफी ने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये लियो या लिब्रा राशि या एक्यूरियस राशि के हो सकते हैं या एरीज साइन के हो सकते हैं। आई कैन सी अ स्टबर्न एटीट्यूड, कैंसर राशि भी है, या आपके पार्टनर की साइन स्कॉर्पियो हो सकती है। नंबर 7 and 8 आर इम्पॉर्टेंट, और आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे बहुत ज्यादा लोनलीनेस दिखाई दे रही है इन दिनों, काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप इनकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी सेम आपके अंदर भी फीलिंग हुई है। आप डेफिनेटली न्यू बिगनिंग कर चुके हो, आपकी जिंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग की तरफ जा चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में आगे देख रहे हो, अपने आप की सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अचानक से आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन और बेचैनी महसूस होती है, या रख रख के कोई सपना या कुछ अजीब सी, एक अजीब सी स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है, अजीब सी, जैसे कि कोई फीलिंग आपको क्रॉस बाय करती है, और वो इनकी फीलिंग्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन दिनों आपको ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी ज्यादा है मुझे ना। देखो ये एरिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ये एफर्ट डाल रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि ये आपको भूल सकें, ये आपको कॉन्टैक्ट ना करें, ब्लॉकेजेस आपके इधर से हट जाएं, ये आपको वापस से जो है अपनी जिंदगी में आगे फोकस कर सकें, बट समवेयर ये नहीं कर पा रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये आपको नहीं कर पा रहे। सबोटाज इन्होंने किया है आपको, ठीक है, सबोटाज किया है इन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ मुझे पॉइंट डिस्कनेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको सबोटाज किया है, इस व्यक्ति ने आपको अपने से दूर किया है और अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये सबोटाज की एनर्जी वापस रिकनसाइल करना चाहती है। यहां पर मुझे आपके व्यक्ति के अंदर डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बट इनके आसपास एक स्टक एनर्जी है और बहुत स्ट्रांग ईविल एनर्जी जो मुझे दिख रहा है कि काफी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, और ये जो क्लैशेज है, ये इनके हार्ट के ब्लॉकेजेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्लैशेज है ना, यहां से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए गिव अप कर दिया है, इन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, बट ये आपको मिस कर रहे हैं एंड ये इनके लिए इजी नहीं है। हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि
हार्ट अप्रूव नहीं कर रहा इस रिलेशनशिप को, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी है जिसको छोड़कर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है. ये कनेक्शन लाइक इनकी डिमांड है, इनकी इच्छा है इस कनेक्शन में आने की. ये इस कनेक्शन को चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, बट इस कनेक्शन में ये चाहकर भी अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं. ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्शन इज मिसिंग. एक्शन इज मिसिंग डेफिनेटली फॉर श्योर. यहाँ पर मुझे एक्शन की कमी दिख रही है. ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से इनके हैं. मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं, आप ट्रस्ट इश्यूज नहीं कर पा रहे हैं. इन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है. और इस व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनकी प्रायोरिटीज डेफिनेटली डिफरेंट है, बट ही इज मिसिंग यू फॉर श्योर. ये और या लड़का लड़की ये जो भी है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं. इनकी अंतरात्मा में आप बहुत स्ट्रांग भी दिख रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत हो, इसीलिए आप इनको लेकर कभी भी स्ट्रेस या एंजाइटी या स्ट्रेस अजीब वाली फीलिंग या नींद से अचानक से सेम टाइम पे आप जाग जाते हो. इस व्यक्ति के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत स्पिरिचुअल और डीप कनेक्शन है, मतलब एक तरीके का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है जो आपको इनके तरह इनके साथ बांधता है. और ये कनेक्शन मुझे काफी स्ट्रांगली मिररिंग इफेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है. दो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे काफी स्ट्रांगली दिख रहा है. इस व्यक्ति से या तो आपके पिछले जन्म में या तो शादी हो चुकी है, या ये आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं. आपकी लाइफ में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. दिस इज द रीजन आप जब एक दूसरे से मिले तो एक क्विक कनेक्शन हुआ. इस वक्त ये काफी ज्यादा लोनलीनेस को फील कर पा रहे हैं. इस वक्त इनकी जिंदगी में एक पीस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस इज मिसिंग, या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर बहुत एग्जॉस्टेड हैं, काफी ज्यादा एग्जॉशन है, काम भी बहुत ज्यादा ले लिया है, प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं, बिकॉज ये आपको भूलना चाहते हैं. कई तरह की ऐसी एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भूलने की कोशिश है. ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में. इनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस और बहुत सारी लाइक इस तरीके की एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रही हैं मुझे. ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. आपके अलावा हो सकता है कि दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट आपके साथ इनका डीप कनेक्शन है, कोई बहुत डीप बॉन्ड है जो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता. चाहेंगे हजार बार कोशिश करेंगे तोड़ने की, लेकिन ना ये तोड़ पाएंगे ना आप तोड़ पाएंगे. वो एनर्जी है जहां पर एक दूसरे के लिए आप ओके आई कैन सी ब्लड, आई डोंट नो ब्लड क्यों दिख रहा मुझे, एकदम से खून दिख रहा है मुझे. सो अगर आपके आसपास कुछ आई होप यू आर सेफ, आई होप आप लोग ठीक हो. देखो यार, अगर कुछ चोट वोट लगी है तो ज्यादा ध्यान रखो प्लीज, टेक गुड प्रिकॉशन. या हो सकता है इनको चोट लग गई है एंड ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज जब बोलते हैं ना तकलीफ हो रही है तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं. बिकॉज इट्स पेनफुल, इट्स रियली वेरी पेनफुल. या हो सकता है कि घर के किसी सदस्य को चोट लग गई, बिकॉज मुझे ब्लड दिखा, एकदम से ब्लड स्टेन्स दिखे. इतना ज्यादा ब्लड भी नहीं दिखा, पर ब्लड स्टेन्स दिखे तुरंत से मुझे दिखे. और ये एनर्जी जैसे एक ऐसी एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें आपके पार्टनर जो है एक कंप्लीट बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. ये एक जैसे कि एक व्यक्ति की डेथ होना और दोबारा से एक नया जन्म लेना और एक नई एनर्जी में आना, एक नया विजन क्रिएट करना. जो व्यक्ति कल तक आपके लिए बहुत नेगेटिव थे वो आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं. किसी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, किसी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, बट फीलिंग स्टक. मुझे स्टक एनर्जी बहुत दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि स्टक है, बिकॉज किसी ने इनके हार्ट को बहुत ज्यादा मेल्ट किया है, भड़का भड़की या बिना वजह के वो ऑब्स्टिकल्स दिए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं मुझे. अब लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस. ओके, मुझे एक बात तो देखो समझ में आ रही है कि ये व्यक्ति आपको अपना स्पेशली आपको अपना एक बोलते हैं ना अपनी दुनिया मानते हैं. इनके लिए आप बहुत स्ट्रांगली इनकी लाइफ हो, इनकी लाइफ लाइन हो बहुत स्ट्रांगली. बट यहाँ पे ना मुझे शैतान का वास बहुत हैवी दिख रहा है. शैतान का वास यानी कि कोई डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हैवी एनर्जी में है. एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांगली हैवी एनर्जी में है. एंड यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई हैं. यहाँ कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना चाहते हो, बट शैतान आपके मन पे हावी है. आप दोनों के अंदर ना इस रिश्ते को खोने का डर है. आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपसे दूर हो जाएगा, और आपके पार्टनर को लगता है कि आप अब उनके हाथ से निकल चुके हैं. इस रिलेशनशिप को लव की नीड है. इस रिश्ते को बहुत प्यार से, पोलाइटनेस से एंड चीजों को ठीक करने की जरूरत है. इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स खत्म करने की जरूरत है.
आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ना जैसे कि बीच में फंस गए हैं, कि एक जगह इधर बीच में ही अटक गए हैं, ना इधर मूव कर पा रहे हैं ना इधर मूव कर पा रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इनको स्टक फीलिंग है, निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से रिलीज करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, जिस कनेक्शन में अभी फंसे हुए हैं ना ये वहां से निकलना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों पे बिलीव करें, ये चाहते हैं आप इनपे दोबारा ट्रस्ट करें, ये चाहते हैं कि अब आप दोनों का कनेक्शन पहले से और बेहतर हो जाए, ये आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, ये आपके लिए नाइट टाइम में मुझे अपसेट होते हुए दिख रहे हैं, रात में भी बहुत अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये रात के टाइम पे बहुत अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, या तो बहुत पेन है हार्ट में, या और मुझे दो हंसों का जोड़ा दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों एट दी एंड आउटकम में एक साथ होंगे, बट अभी बहुत स्ट्रगल है, अभी आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल्स है अभी, अभी थोड़ा सा पढ़ाव आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईयर थोड़ा हैवी है आप लोगों के ऊपर, पास्ट समझो साल 2020 से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है आप लोगों की लव लाइफ में, एंड मुझे लग रहा है ये ईयर तक है थोड़ा सा हैवी है ये ईयर एनर्जी आपकी, नेक्स्ट ईयर से आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें बेटर होंगी और ये शैतान आपके ऊपर से थोड़ा सा कम होगा, हैवी एनर्जी जाएगी एंड इसकी एनर्जी रिलीज होगी, और या नेक्स्ट ईयर स्पेशली मुझे लग रहा है चीजें रिलीज होंगी आपकी लाइफ से और इनकी लाइफ से बहुत प्रॉब्लम्स खत्म होगी, थर्ड मंथ नेक्स्ट ईयर के थर्ड मंथ से चीजें सॉल्व होना शुरू होंगी आपकी लाइफ में, इनके साथ आपका बहुत ही म्यूचुअल और बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, फिर से चीजें बेहतर होगी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि रियूनियन रिकन्सिलेशन उस टाइम पे होगा, बट आप दोनों के रिश्ते में जो खटास आ गई है ना वो खत्म हो जाएगी, वो कम्प्लीटली खत्म होकर एक नई शुरुआत होगी, एक बेहतरीन शुरुआत, रियूनियन तो इसी साल हो जाएगा, बट जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है जिससे आप दोनों एक दूसरे को बार बार सबोटाज कर रहे हो या चीजें डिसकनेक्ट हो रही हैं, वो एनर्जी से आप इस साल निकलोगे, रियूनियन इस साल होगा, बट जो कॉम्प्लिकेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बाहर निकलोगे नेक्स्ट ईयर, और आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी फ्रॉम थर्ड मंथ, या डेफिनेटली थर्ड मंथ, मुझे एक अच्छी खासी वीनस का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पर, वीनस का इम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, या वेरी नाइस, वेरी 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 ब्यूटिफुल, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, मेनली मुझे ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है इसका, ये कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव है आप दोनों का, आप दोनों का ना पेयरिंग बहुत बराबर है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हो, संभाल लेते हो, अभी सिचुएशन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप दोनों एक दूसरे के मदर फादर हो, मतलब एकदम एक गिरा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा गिरा तो एक उठा लेगा, फटाक से ये है कि एक दूसरे को बैलेंस करते हो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग कनेक्शन है, ये कनेक्शन सर्वाइव करेगा, लंबा चलेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, ये एक कनेक्टेड डीप 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 रिलेशनशिप है, या अभी डेफिनेटली स्ट्रगल्स हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ये कनेक्शन आपके लिए बना है, आप ही को मिलना है, ठीक है, तो ये जो है आपके लिए स्पिरिचुअली कनेक्शन है जिससे आप जितना दूर भागोगे ना, या ये व्यक्ति जितना दूर भागेंगे एट द एंड एक ही हो जाएंगे वापस, मतलब एक मैग्नेट है जिस आपको जोड़ देता है, एक कर देता है, ठीक है, आप दोनों का सर्कल एंड होता है आप ही के पास आकर, मतलब इस व्यक्ति का सर्कल खत्म होगा आप ही के पास आकर, आपका सर्कल खत्म होगा इधर ही आकर, विशेष सर्कल मतलब लोगों के बीच, लोगों लोग नए नए लोगों से मिलोगे, ये मिल जाएंगे दूसरों से, बट एंड का जो होगा ना एंडिंग, वो आप दोनों की एक साथ ही होनी है, वो यहां वहां भटक कर कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप कितना भी वहां भटक लो, ये व्यक्ति कितना भी भटक ले, बट एट द एंड एक होना है आपको, आप लोग एक हो जाते हो, मतलब एक होने की एनर्जी ज्यादा है, दो हंसों का जोड़ा है जो अबंडेंस का प्रतीक है, जो लव को अप्रिशिएट करता है, जो एक दूसरे की लाइफ को अबंडेंट करता है, आप दोनों एक दूसरे के मेंटर हो, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, दोनों एक दूसरे को संभालते हो, और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग और बॉन्ड, एक अलग बॉन्ड लिखा कर आया है, तो चाहे कितना भी भटकोगे ना, 10 लोगों के यहाँ जाओ, आपके पार्टनर 10 के जाए, आप लोगों का एंडिंग इधर ही है, ठीक है, एंड एट द एंड इधर ही आता है, सो स्टॉप फूलिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर लोगों के पास भटकना बंद कर दो, कंप्लीटली फोकस ऑन हिम और हर, इस व्यक्ति पे फोकस करो, पूरा कंप्लीट फोकस, फोकस डजंट मीन कि काम धाम छोड़ के इसके व्यक्ति के पीछे भागना है, नहीं,
मेक श्योर करो कि दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन मेरे लिए बना है, मुझे ही मिलने वाला है, हम दोनों एक ही होंगे, एंड स्टे इन पीस, शांत रहो, मन को अशांत मत करो। इस व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रांग चेंजेस है जो आएंगे ही आएंगे, बस आपको अपने आप को रेस्टलेस नहीं करना है, आपको अपने प्रोसेस को स्ट्रांग रखना है। ये व्यक्ति अपना प्रोसेस खुद फॉलो करेंगे। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए कॉफी कप रीडिंग। रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चिपका डालो जल्दी से। और यस, ब्रेसलेट बाय करना है, अमित सर को कॉन्टेक्ट करो, ही इज द बेस्ट। आपको एनालिसिस के बाद वो अच्छा सजेशन दे देंगे कि आपको क्या बाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग पसंद आई या नहीं, कितनी पसंद आई और कितनी बार मुझे ये करनी चाहिए, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना, एनर्जी बहुत स्ट्रांग और बहुत ब्यूटीफुल है, इस एनर्जी को क्लेम करना बनता है कमेंट में विदाउट फेल। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के लिख लो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।